हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वृंदावन। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हम हैं अभी वृंदावन में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम रात को पहुंच चुके थे, 10 बजे पहुंचे थे और हम काफ़ी लेट हो गए थे, हमें दर्शन कहीं नहीं मिल पाए थे। हमने सीधा होटल लिया, होटल लेने के बाद हम सीधा रुक गए और अब हम सुबह लगभग 8:30 बज रहे हैं और अब हम निकले हैं अपने होटल से और सीधा पहले जा रहे हैं बांके बिहारी। वहाँ पे दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी पे और उसके बाद फिर इस्कॉन टेंपल, प्रेम मंदिर, फिर वहाँ जाएंगे तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बांके बिहारी जी का, वहाँ पे जितना ज़्यादा शूट हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब हम बस बांके बिहारी जी की तरफ अब आगे बढ़ते हुए हम होटल से निकल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दर्शन करते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी की तरफ, मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रहा है। अभी हम सबसे पहले उधर ही जा रहे हैं, उसके बाद हम इस्कॉन टेंपल और प्रेम मंदिर जाएंगे, पहले बांके बिहारी दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जितना ज़्यादा जो भी शूट हो पाएगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो बस बांके बिहारी की तरफ बढ़ते हुए। आप देख रहे हैं हम बांके बिहारी जी के यहाँ पे अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये गली जो आप देख रहे हैं ये उधर ही जा रही है बांके बिहारी जी की तरफ और हम इस समय चलते हुए अभी लेना है प्रसाद और प्रसाद लेके फिर अंदर एंट्री करेंगे। देखेंगे अंदर भीड़ भाड़ कितनी है, क्या है, वो वहीं जाके पता चलेगा। वैसे यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे यहाँ का इस समय माहौल, भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है वैसे। तो अब बस अंदर चल कर देखते हैं, बाकी दिखाता हूँ आप लोगों का नज़ारा, कैसा व्यू है, कैसे वहाँ पे भीड़ भाड़ है बड़े वाले। तो चलिए दोस्तों, बस आगे बढ़ते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम आए हैं और ये सामने आप देख रहे हैं ये बांके बिहारी जी का मंदिर। जय हो बांके बिहारी। तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं। Thank you.
हमारे जो है वाकई बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ पे वीडियो शूट किया था, आप लोगों ने देखा होगा उसमें। और अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा अंदर, तो मतलब मेरे को मोबाइल वोबाइल संभालना भी इतना भारी पड़ रहा था। और अब हम यहाँ से निकले हैं निधिवन मंदिर के लिए। अभी हम बैठे हैं ई रिक्शे में, 20-20 रुपये सवारी लिए इसने भाई ने, और ये हमें निधिवन मंदिर छोड़ेंगे। यहाँ से बाकी बिहारी जी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है निधिवन मंदिर। तो अब मैं और ये भाई अब हम वहीं जा रहे हैं निधिवन मंदिर, अब वहाँ पर जाके दर्शन करके वहाँ पे देखते हैं किस तरीके का माहौल है, कैसी भीड़ है। बाकी बिहारी जी पे तो बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वृंदावन में मथुरा वृंदावन में सबसे मेन मंदिर यही है। कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन कर लिए तो समझो सब जगह कर लिए, नहीं तो कहीं नहीं है। तो सबसे मेन मंदिर यही माना जाता है बाकी बिहारी जी का। और अब हम जा रहे हैं निधिवन, तो अब चलिए दोस्तों निधिवन की तरफ बढ़ते हुए, और फिर मैं वहाँ पर आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय भीड़ ज़्यादा नहीं है, पर रश काफ़ी है, शोर शराबा बहुत है। ये हम निधिवन मंदिर के सामने ही खड़े हुए हैं। अभी हम जो आए हैं इधर से आए हैं, ई रिक्शे वाले ने हमें यहीं उतारा था थोड़ी देर पीछे, और यहाँ से बिल्कुल सामने ही मंदिर है। और अब हम पहुँच चुके हैं, और अब चलिए अब अंदर चलते हैं। ये हम अंदर निधिवन मंदिर में एंट्री करते हुए, सामने आप देख रहे हैं मंदिर है, और यहाँ पे बंदर बहुत हैं। मुझे मोबाइल भी बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, यहाँ पे प्रसाद वरसाद थोड़ा संभाल करके रखें। और अब हम अंदर आ चुके हैं, और सामने ही मंदिर है। अब चलिए अब दर्शन करते हैं, देखते हैं अंदर कितना ज़्यादा शूट हो पाएगा। राधे राधे, जय माता दी। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम जिस मंदिर में आए हैं निधिवन पे, यहाँ पे दो मंदिर हैं। यहाँ मैं फिर कन्फ्यूज़ हो गया, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आए हैं पता नहीं था। अभी हम जिसमें पहले मंदिर में आए हैं, ये टेढ़े खंबे का मंदिर है जो बताया जाता है, टेढ़े खंबे का मंदिर। आप देख सकते हैं खंबे जो हैं टेढ़े टेढ़े बने हुए हैं, तो ये टेढ़े खंबे का मंदिर है। यहाँ पर भीड़ भाड़ कोई ज़्यादा ऐसी है नहीं। इसी मंदिर के जस्ट बराबर में ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाहर निकल के जो मेन डोर है वहाँ से लेफ़्ट जाके उधर ही है मंदिर निधिवन। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, पहले हमने यहाँ दर्शन कर लिए हैं, और अब हम निधिवन की तरफ बढ़ते हैं आगे। और मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है, और जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है उनकी एक सबसे जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर, उन्होंने अपने परिवार के ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पैरों में तस्वीरें बनवाई हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फैमिली की यहाँ पे इन्होंने वो बनवाई हुई है। ये सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये साल में एक बार खुलता है बसंत पंचमी वाले दिन। तो अब चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, वो बैठे हुए हैं। अब चलते हैं निधिवन की तरफ, चलिए दोस्तों। राधे राधे। ये हम टेढ़े खंबे मंदिर से बाहर निकलते हुए, और अब चलते हैं निधिवन मंदिर की तरफ। यहीं से बाहर निकल के लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है जो निधिवन मंदिर के लिए जाता है।
तो चलते हैं उधर। किधर इधर तो दोस्तों निधिवन का बोर्ड आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है, ये रास्ता निधिवन के लिए जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ को सेफ्टी नहीं है, ले जाता है। ये हम निधिवन मंदिर में अंदर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार। तो दोस्तों हम इस समय निधिवन के अंदर हैं, मंदिर के अंदर, और ये आप देख रहे हैं अभी हम यहाँ से आए हैं और अब हम ये प्रवेश द्वार अंदर एंट्री करते हुए। सही है यार, सेफ्टी परपस। अच्छा यही है ना वो पेड़? हाँ यही पेड़ है। कितना हरे तो भरे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेड़ बहुत ही छोटी हाइट के पेड़ और बहुत हरे भरे पेड़ हैं। ये बंदरों के सेफ्टी के लिए पर्पस से इन्होंने इस तरीके से कुछ रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ का जो नज़ारा है, जो व्यू है, सच में बहुत ही अच्छा व्यू है। ये आप देख सकते हैं सब छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल छोटी हाइट के। और अब हम आगे बढ़ते हुए तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो कुंड है, ये ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो बताते हैं कृष्ण जी ने स्नान उस्नान किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा तरीके से बना हुआ है। और अब हम चल रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। जय हो। ये हम मंदिर की तरफ पहुंच चुके हैं और भीड़ आप देख सकते हैं। अब अंदर चलना है और दर्शन करना है। चलिए अब अंदर चल के दर्शन करते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यही है मेन मंदिर, जो निधिवन के अंदर जो मंदिर है वो यही मंदिर है कृष्ण भगवान का। और अब हम चलते हैं, दर्शन हो चुके हैं और अब हम बाहर एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए बाहर निकलते हैं। तो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों हम हैं अभी निधिवन मंदिर के अंदर और हमारे दर्शन हो चुके हैं, हमने सब जगह दर्शन कर लिए हैं। निधिवन मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे बताया जाता है कि डेली यहाँ पे कृष्ण जी का और राधा जी का श्रृंगार होता है। मंदिर बंद कर दिया जाता है रात को 9 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, यहाँ पे कोई नहीं भटकता 9 बजे के बाद, क्योंकि डेली वो आते हैं यहाँ पे, बताते हैं अपना श्रृंगार करते हैं और जो भी पान वान चबाते हैं, दातुन चबाते हैं। तो सुबह वो ऐसे ही वहाँ पे मंदिर में मिलता है रखा हुआ। पंडित सुबह जो भी यहाँ सुबह पहले आता है पंडित उनको सब दिखाते हैं। 4 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है निधिवन मंदिर में, और जैसे जो पहले आता है तो पंडित उनको सब दिखाते हैं। और तो अब हम यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके हैं और निधिवन मंदिर के अंदर ही हैं हम, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर और अब देखते हैं कहाँ जाया जाता है। अभी हमारा इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर रह गया है तो अब हम उधर की तरफ बढ़ते हुए, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अब यहाँ से बाहर निकल के वही ई रिक्शा लेना है, ई रिक्शा लेके फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। Thank you.